बहादुरा, तेरी बीवी बहादुर है, तेरी बेटी बहादुर है। मेरे ससुराल का आज मैं पोल खोलूंगी। बहन भूकंप लाती है पाद के, तो मैं क्यों नहीं? दोस्तों एक बहुत ही अजीबोगरीब केस आया है हमारे पास। एक फैमिली ने उनके खुद के बहू को घर के अंदर लॉक कर दिया है और हम अभी वहां आके पहुंच गए हैं। बात करते हैं उनके बहू से कि क्या है पूरा माजरा। जी हाँ बता दी, कैमरा दीजिए कैमरा। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आज सबके सामने मैं अपने इस घर वालों का, मेरे ससुराल का आज मैं पोल खोलूंगी। ये बात कल की है। घर में मूली के पराठे बने थे, ये साजिश थी मेरी ननद की। भाभी खाओ 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 बोल के 8 पराठे खिला दी मेरे को। उसके बाद जो होना था हो गया, पेट खराब हो गया। देखो भाई, इंसान हम भी है, हमारा भी पेट खराब होता है। तो मेरे से गलती हो गई, मेरे सास ससुर के सामने मेरी पाद निकल गई। क्या पाद सिर्फ लड़कों का निकलता है? मैं पूछना चाहता हूँ पूरे इंडिया से, क्यों? सही बोली ना बहना, क्या आप नहीं पाती? मैं तो बहुत पाती हूँ, इतना पाती हूँ कि भूकंप आ जाता है घर पे। देखा बहन, भूकंप लाती है पाद के, तो मैं क्यों नहीं? मेरे सास ससुर को समझना चाहिए ये बात। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बदबूदार नहीं होती मेरी बात। मैडम आपका परिचय? जी मैं पद्दूरी महिला संगठन की सभापति पद्दूरी देवी अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। सरकार हर जगह लड़का लड़की समान बोलती है, लेकिन जब पादने का केस आता है तो ऐसा पार्शियलिटी हमारे साथ क्यों? देखो मेरा खड़ूस ससुर आया है, उससे बात करो आप। तो दोस्तों अभी लड़की के ससुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं ये क्या है पूरा मामला। वो दिन रात पाटते है, वो ऐसे पाता है जैसे घर में कोई ब्रह्मोस मिसाइल आके गिर गया, ऐसे शब्द आवाज आ रहा है। इसीलिए तो हम घर वाले सब डर जाते हैं। वो लोग को औरत लोग को लक्ष्मी होते हैं, उन लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, मगर उन लोग को पढ़ते हैं, इसलिए हमको लॉक करके रखना पड़ा है। कब तक इनको यहाँ लॉक करके रखेंगे? वो लिख के देंगे, आज से हम घर में नहीं पादेंगे, भूकंप नहीं पैदा करेंगे, तब तक उनको लॉक करके रखना पड़ेगा। हम मजबूर में रखना पड़ेगा। तू नहीं पढ़ता क्या? तेरे घर में कोई नहीं पढ़ते क्या? तू बहादुरा, तेरी बीवी बहादुर है, तेरी बेटी बहादुर है। दोस्तों मैं आज तक किसी भी शूट के दौरान इतना टेंशन नहीं हुआ था और इतना दर्द नहीं हुआ था, लेकिन रीनी जी की बात सुनने के बाद मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों में ध्यान दे और जल्द से जल्द सॉल्व करे, ताकि हम जैसे गरीब रिपोर्टर बच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा।